हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में एटरी 24 विद विवेक चैनल पे। तो मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करूंगा। जो क्लास जिन लोगों ने कल देखी है, डायरेक्शन की क्लास चली थी, तो उसी के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जिन क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा और मेरा क्वेश्चन मेरे मोबाइल में है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, यानी जब एक सुबह राजू किधर चला, सूर्य की ओर चला। तो सूर्य की ओर मतलब कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, यानी कि राजू एक दिन कहां चला, सूर्य की दिशा में। कब चला, सुबह, सुबह की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, सुबह की। तो सुबह सूर्य कहां होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो पूर्व दिशा की ओर एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, ठीक है। तो कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा, तो इसका बाएं कौन सा होगा, ये दाएं हो गया और ये क्या हो गया, बाएं हो गया। क्लियर है ना। तो राजू कुछ दूरी चलने के बाद बाएं टर्न हुआ, यानी कि बाएं घूमा और फिर बाएं घूमा, यानी कि और एक बार फिर से वह बाएं घूमा। यहां से ये इसका क्या हो गया, दाहिना हो गया, ये क्या हो गया, बाया हो गया। तो यहां से ये फिर बाएं घूमा। क्लियर है यहां तक। यानी कि राजू एक सुबह चलता है सूर्य की दिशा की ओर। तो सूर्य की दिशा की ओर मीन्स क्या हो गया कि पूरब दिशा की ओर चलता है। चार दिशाएं आपकी होती हैं, कल बताया गया था वीडियो में, जिसने कल वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो वीडियो देख कर आइए। ये कौन सी दिशा हुई, ये पूरब हुई। इसके अपोजिट क्या हुई, पश्चिम। ये क्या है, उत्तर। ये क्या है, दक्षिण। ये चार दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो राजू सूर्य की ओर चला, फिर वहां से क्या हुआ, बाएं टर्न हुआ, फिर यहां से फिर बाएं टर्न हुआ। तो कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, यानी कि अब सूरज का मुख किस दिशा में है, ठीक है। राजू का मुख अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो आपको पता होगा कि अब ये इस दिशा में चल रहा है। तो दिशा कौन सी है, पश्चिम। क्या है, पश्चिम। तो राजू का मुख अब जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, चार नंबर है। तो चार नंबर इस क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू समझते हैं, और शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो क्या क्वेश्चन है कि राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी कि राजन दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा कौन सी हो गई हमारी, यहाँ पे राजन है, तो ये दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कितना, 8 किलोमीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन, और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो किधर मुड़कर के, बाएं मुड़कर के 8 किलोमीटर दूरी क्या करता है, तय करता है। तो बाएं मुड़ गया, यहां से ये बाएं हुआ इसका ना, तो यहां से फिर ये 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि यहां से फिर दोबारा बाएं मुड़ गया, तो ये बाएं हो गया, यहां से फिर ये 8 किलोमीटर की दूरी इसने तय की, दोबारा मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वह अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। क्या पूछा जा रहा है कि अब राजन अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। तो मूल स्थान इसका कौन सा था, तो ये मूल स्थान था। तो यहां से पूछा जा रहा है कि अब राजन किस दिशा में है, तो यहां से इस दिशा में है राजन, तो दिशा को क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर एक, पूर्व दिशा में राजन इस समय अपने मूल बिंदु से है, ठीक है। केवल क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे समझेंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या है। आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। पहले क्वेश्चन क्या है कि केतो दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है,
यानी कि केशव एक पॉइंट से दक्षिण की ओर क्या 15 किलोमीटर चल रहा है। तो केशव मान लेते हैं यहां पे है, तो यहां से दक्षिण की ओर चलता है कितना 15 किलोमीटर। ठीक है यहां तक। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता तथा 25 किलोमीटर चलता है। तो वह क्या करता है, दाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। तो यहां से इसका दायां कौन सा हो गया, ये हो गया दाईं ओर मुड़कर कितना चला 25 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यह दाईं हो गया इसका, और यहां से फिर कितना चलता है, ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि वह अपने आरंभिक बिंदु से, यानी कि यह इसका आरंभिक बिंदु था। ठीक है, तो यह केशव का क्या था, आरंभिक बिंदु था। तो पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से वह किस तरफ है, तो किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, यानी कि आरंभिक बिंदु से यही ना, यही कहीं पर होगा ना ये केशव। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो आप लोगों को दिशा पता होगा कि कौन सी दिशा है, देख लीजिए यहां पर समझते हैं, ये दिशाएं होती हैं ना, क्लियर है ना यहां तक। तब देख लीजिए ये क्या है, पश्चिम है, पश्चिम है। तो यहां से चलना स्टार्ट किया था इसने, तो ये किस दिशा में है, ये पश्चिम है और ये क्या है, दक्षिण है। तो ये है कहां पे, यहां पे है। तो इस दिशा को क्या कहते हैं, बताया था मैंने कल आप लोगों को, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कुछ भी कह सकते हैं। तो जो केशव है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर वन क्या है, क्या है राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन नंबर, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, तभी आप लोगों को सारे डाउट क्लियर होंगे और आप अपना एक या दो मार्क का जो क्वेश्चन आता है किससे डायरेक्शन से, तो उसको भी क्लियर कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दूसरे मेथड का क्वेश्चन है ये, यानी कि टाइप टू है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको समझें तभी आपकी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर जैसा कि मैंने बताया दिखाई पड़ रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन बताता हूं पढ़ के पहले, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, क्या की, हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर और बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया, अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसमें क्या पूछा गया, आपसे ये नहीं पूछा गया कि किस दिशा में है, आप लोगों से पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है। तो इसको करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना सीखें, क्वेश्चन जितना ही आसानी तरीके से आप समझेंगे उतनी ही आसान तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। तो हरि मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट पे है, तो पूर्व दिशा इसकी ए हो गई, तो यहां से इसने 17 किलोमीटर की यात्रा की, कितने की 17 किलोमीटर की यात्रा की हरि ने यहां से। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। तो बाईं ओर कौन सा हो गया इसका, इसका दाईं ये हो गया और बाईं ये हो गया, बाईं ओर ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहां से कितना चला ये 15 किलोमीटर चला, कितना चला 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर और बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया, यानी यहां से फिर और बाईं ओर मुड़ गया और 17 किलोमीटर आगे गया, कितना 17 किलोमीटर आगे गया। तो अब कह रहा है कि अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कितनी डिस्टेंस पर यहां से इसने चलना स्टार्ट किया। तो यहां से क्या, यही तो पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, इस पॉइंट से यही डिस्टेंस तो हमसे पूछी जा रही है कि ये डिस्टेंस आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही तो पूछा जा रहा है ना। तो
आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको एक आयत के रूप में नजर आ रहा होगा, तो आयत में क्या होती है, आमने और सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 17 है, तो ये 17 है, तो ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अपने आरंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, कौन है, हरी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर की दूरी पर हरी अपने आरंभिक बिंदु से है। तो बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आता करते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो कमेंट में बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, तो क्वेश्चन को समझते समझते ही उसका डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो पीटर सबसे पहले तो एक बिंदु पे होगा, तो यहाँ से कितना चला, 8 किलोमीटर पश्चिम चला, पश्चिम दिशा इसकी यही तो होगी ना पीटर की, यहाँ से तो यहाँ से इतना कितना चला, ये 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर पीटर चला। क्लियर है यहाँ तक, तो पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, यानी यहाँ से दाईं मुड़ गया, यानी कि राइट टर्न होता है, तो यही तो इसका राइट है पीटर का, तो यहाँ से राइट टर्न हो गया और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला, 3 किलोमीटर यहाँ से चला, रिटर्न कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, तो यहाँ से फिर राइट टर्न होगा, तो ये चलेगा 12 किलोमीटर, ये हो गई 12 किलोमीटर डिस्टेंस किसकी, पीटर की। क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है क्वेश्चन कि वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसमें पूछा जा रहा है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस पूछी जा रही है कि आरंभिक बिंदु से जब ये चला तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को, लास्ट तक समझ के करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, इसको करने का देखते हैं फॉर्मूला क्या है, किस तरह से करेंगे, कैसे समझेंगे इसको। तो जैसे कि इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक ट्रेंगल के रूप में नजर आ रहा है आप लोगों को, तो इस ट्रेंगल को सबसे पहले बाहर बनाते हैं, ये ट्रेंगल आपका बाहर बन गया। ठीक है, ट्रेंगल बाहर बन गया आपका, तो ट्रेंगल बाहर बन गया, ट्रेंगल की हमको प्रत्येक क्या भुजाएं निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे ये भी समझेंगे। तो कैसे निकालना है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमको इसमें क्या निकालना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी ये डिस्टेंस है, यानी कि बेस कितना है, 3 किलोमीटर है, जब ये सेम है, देखिए ये इतना आपको आयत इधर का जो पोर्शन है, यहां से जो ये पोर्शन है, तो आपको आयत दिख रहा है, तो ये भुजा 8 है, तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी, ये 3 है, तो ये भी क्या होगी, 3 होगी, तो इस तरह से इसकी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे कि इसका लंब कितना होगा, तो लंब निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी दी है हमको, 12 दी हुई है, टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, 12 किलोमीटर, माइनस कितनी करनी है, ए 8 है, तो ए भी 8 होगी, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर, तो कितनी निकल के आ जाएगी, 4 किलोमीटर, तो ए हमारी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। क्लियर है, कितनी होगी, 4 किलोमीटर। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो मैंने आप लोगों को कल बताया था पाइथागोरस प्रमेय कल बताई थी मैंने आप लोगों को, तो क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, यहां भी लिखते हैं, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी दी हुई है हमको, कर्ण का स्क्वायर निकालना है, कर्ण ही तो निकालना है ना, ये डिस्टेंस निकालनी है, यही डिस्टेंस तो निकालनी है, समझते रहिएगा वरना समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो ये कितनी दी हुई है, 4 का स्क्वायर, तो इसे डायरेक्ट लिखते हैं 16 और प्लस 3 त्रिका 9, 16 कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कि अब इसको कर्ण का स्क्वायर है तो हमको निकालना कितना है, कर्ण निकालना है, तो ये सब क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा,
तो ये कितनी आ जाएगी, ये भुजा 5 आ जाएगी, कितनी 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस पता चल गई होगी आप लोगों को कि जो पीटर है तो पीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड पॉइंट था तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 किलोमीटर निकल के आ गई। बहुत शानदार क्वेश्चन था, लास्ट तक समझेंगे समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ समझ में जरूर आएगा। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। ऑप्शन नंबर क्या है, 4 है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर 4 में, 5 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं इससे ही शानदार क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा हम लोगों ने तो उससे भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को पहली बार, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि ए और बी, देख लीजिए कोई एक ए पॉइंट है, ठीक है, तो यहीं पर कौन है, ए है और बी है, दो लोग यहीं पे हैं। ठीक है, तो ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो यहां से उत्तर कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई ना, तो उत्तर की ओर ए गया कितना, 3 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक। फिर कह रहा है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर कितना, 4 किलोमीटर चलता है, यहां से दाईं ओर मुड़कर के 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि यहां से ए तो चला गया, अब बी क्या करता है, पश्चिम की ओर, ए पश्चिम है तो पश्चिम की ओर क्या करता है, बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर, 5 किलोमीटर पहले चलेगा यहां से, 5 किलोमीटर चलने के बाद क्या करेगा, दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं इसका ये हो गया, दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, यहां से ये दाईं ओर टर्न हो गया। क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर दाईं ओर चलकर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि फिर ये भी क्या, कहां जाता है, 3 किलोमीटर ठीक है, यहां से क्या करेगा, ये भी 3 किलोमीटर चलेगा, चला 3 किलोमीटर जाता है, वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। शानदार क्वेश्चन है, देखिए एक नया क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है, समझेंगे इसको भी कर लेंगे। तो कैसे करना है देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन था, कौन आ गया है, बी है, ए कहां पे है, यहां पे है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी पर ये दोनों लोग हैं, तो ये डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, यही हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है देख लीजिए, अब देखिए कि हमको निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमको इन दोनों के डिस्टेंस निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए ए डिस्टेंस, पहले इसको निकालेंगे, आगे वो पता है हमको 4 किलोमीटर, जोड़ देंगे आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, अब देख लीजिए कि ए आपको आयत के रूप में नजर आ रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ए कितनी है, 3 किलोमीटर है, तो ये भी क्या है, 3 किलोमीटर है, सेम है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ए कितनी है, 5 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, डायग्राम सही बनाना है, दिमाग चलाना है, आंसर चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा, चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर निकल के आ गई, ये हमको 4 किलोमीटर ऑलरेडी दी हुई है, तो 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर टोटल कितना हो गया हमारा, 9 किलोमीटर। क्लियर है, तो अब बी से ए की डिस्टेंस कहें या ए से बी की डिस्टेंस कहें तो कितनी निकल के आ गई, 9 किलोमीटर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सही है हमारा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, 9 किलोमीटर राइट आंसर है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे भी शानदार क्वेश्चन के साथ समझते हैं। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या है, बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको समझना है, साथ में डायग्राम ड्रा करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सुरेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, यानी कि सुरेश किसी पॉइंट पर है तो यहाँ से 20 मीटर पूर्व की ओर गया, तो ये क्या हो गया, 20 मीटर हो गया पूर्व की ओर गया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर, यानी ठीक है बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद, तो यहाँ से बाईं ओर वही हुआ ना ऊपर की दिशा में, तो बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर, इतना 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, यानी यहाँ से फिर कितना मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी दाएं ओर मुड़कर कितना चला, 25 मीटर चला। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, यानी कि यहां से फिर दाईं ओर मुड़ा तो कितना चला, 15 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब पूछा जा रहा है कि रमेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु का कौन सा हुआ दोस्तों, ए हुआ। और पूछा क्या जा रहा है हमको, ये पूछा जा रहा है कि टोटल ए डिस्टेंस पूछी जा रही है कि यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसको कैसे करेंगे, आसान तरीका है तो करने का, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमको ए, अगर हमको ये पता चल जाए कि ए डिस्टेंस कितनी है, कितने मीटर की है, तो ये तो हमको दी हुई है 20 मीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो क्या करना है इसमें, जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये आप लोगों को क्या आयत दिखाई दे रहा होगा, क्या है आयत है, तो आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 15 मीटर ये है तो 15 मीटर ये भी है। ठीक है, तो इसका ये 25 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 25 मीटर हो जाएगी, तो हमको ये डिस्टेंस पता चल गई। तो और यहां की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे, तो 20 मीटर प्लस 25 मीटर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमको ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ये निकल जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी 45 मीटर, 45 मीटर टोटल डिस्टेंस निकल के आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर चार क्या है, सही है ऑप्शन नंबर चार, क्या दिया हुआ है 45 मीटर, तो यही है राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे भी शानदार दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन क्या है कि संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, यानी कि संध्या किसी एक पॉइंट पे है वहां से सीधे ए से बी की तरफ चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, तो इसको कैसे करेंगे कि एक पॉइंट देखेंगे कि ए क्या हो गया, ए हो गया, और दूसरा पॉइंट ए क्या हो गया, बी हो गया, संध्या ए से बी चली और जिसकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर, यानी कि इस पॉइंट से 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ी, तो यहां से ये दाहिना हो गया और ये बायां हो गया, तो यहां से ये बाएं 90 डिग्री कोण बनना है, तो 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ी, बाएं ओर मुड़ी और वहां से 8 किलोमीटर सी तक चलती है, यानी कि 8 किलोमीटर डिस्टेंस है चलती है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, सी नाम है। ठीक है, तो इस पॉइंट सी तक चलती है, वहां से फिर वह 90 डिग्री बाएं और मुड़कर डी तक, ठीक है यहां से फिर कितनी मुड़ती है, 90 डिग्री बाईं ओर, तो ये दाहिनी ए बाईं ओर हो गया। ठीक है, तो बाईं ओर 90 डिग्री यहां से फिर मुड़ी और एक पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है, यहां तक चलती है। ठीक है, वहां से फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर, कितनी 5 किलोमीटर चलती है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है, यानी कि फिर यहां से बाएं ओर मुड़कर के कितना चलती है, ये 5 किलोमीटर हो गया ना, तो ये 5 किलोमीटर चली पहले, फिर यहां से ये दाहिनी और ये बाईं हो गया, तो बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है, 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है, किस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक चलती है। क्लियर है यहां तक, तो पूछा जा रहा है कि ए से ई की दूरी कितनी है, ए से ई की कितनी दूरी है, यानी कि हमसे ए डिस्टेंस पूछी जा रही है, ए से ई के बीच में कितनी दूरी है, ए हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन है, समझेंगे इसको और आराम से करेंगे, तुरंत आपका चुटकियों में साल होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस
ए हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, पहली बात तो आयत है, तो आयत में क्या बताया था, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए ए आठ है तो इसके सामने भी क्या है, आठ है। तो ये सामने क्या है, पांच है, तो इसके सामने भी क्या होनी चाहिए, पांच होनी चाहिए। तो पांच होनी चाहिए ना, तो पांच में हमको दी कितनी हुई है, ए से बी कितनी दी हुई है, तो दी हुई है हमको 2 किलोमीटर। समझ में नहीं आया, देखिए E to A हमको क्या करना है, पता करनी है, और A to B हमको पता कितनी है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल कितनी है, टोटल है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर माइनस कर देंगे, यदि हम कितना माइनस कर देंगे, 2 किलोमीटर, निकल के क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर, जो कि हमारी क्या है, ए से ई की डिस्टेंस है, कितनी है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। शानदार क्वेश्चन है, जो लोग समझा होगा उसकी समझ में आया होगा, जिसकी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर, जो कि राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट टाइप है इसका, डायरेक्शन का। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले इसकी आकृति क्या होगी बनाएंगे, ये आकृति है, तो इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो यहां पे कौन है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो ये 8 व्यक्ति इस कहां बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति बैठे हैं इस आवृत्ति में बैठे हैं, और आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि सभी का मुंह क्या है, बाहर की तरफ है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये तब के तब 3 स्थान वामावर्त घूमते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या होता है, यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें किधर घूम रहे हैं, वामावर्त 3 स्थान घूमते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं 3 स्थान, सभी व्यक्ति 3 स्थान घूमते हैं वामावर्त, यानी कि यदि ए यहां पे है तुम्हारा, तो कहां पे आ जाएगा, जी को रिप्लेस करेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखते हैं कि बी यहां पे कहां बैठा है, यहां पे बैठा है, तो यहां से बी ये 3 स्थान घूमेगा, तो 1 स्थान 2 स्थान और 3रा स्थान, तो कहां पे आ जाएगा, बी आ गया तुम्हारा यहां पे, तो बी का जो मुंह क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहला वाला आंसर क्या है, सही है। दूसरा आंसर क्या है, ई का मुंह पूर्व की ओर होगा, तो ई तुम्हारा कहां पे है दोस्तों, यहां पे है, तो यहां से वामावर्त घूमेगा ये 3 स्थान, तो आ जाएगा बी के स्थान पर, बी के स्थान पर आ जाएगा। तो जब बी के स्थान पर ई आ जाएगा, तो ई का मुंह कह रहा है कि पूर्व की ओर होगा, तो ई का मुंह कहां हो जाएगा, आप लोग बताएं, ये हो जाएगा आपका उत्तर और पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर होगा, ना कि पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा, तो एच तुम्हारा कहां पे है, यहां पे 3 स्थान तक के आएगा, तो ई के स्थान पर आ जाएगा, तो एच का जो मुंह हो जाएगा दक्षिण की ओर होगा, ना कि उत्तर पश्चिम की ओर होगा, तो भी ऑप्शन क्या है, ये गलत ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो ए हमारा यहाँ पे है, 3 स्थान घूम के आएगा, तो यहाँ एफ को रिप्लेस करेगा, एफ के स्थान पर आ जाएगा, तो इसका मुंह उत्तर की ओर नहीं होगा, कहां पे होगा, पश्चिम दक्षिण की ओर होगा, पश्चिम दक्षिण की ओर होगा, यानी कि सभी ऑप्शन गलत हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सही है, कि बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, तो यही राइट आंसर है, कि बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कि बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। ये थे हमारे दोस्तों डायरेक्शन के क्वेश्चन, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझाया जाएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।